मंत्री जी, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेके आपका एक ओपिनियन चाहिए। यहाँ पे एक तस्वीर लगी है कैंसर मुक्त भारत का, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। मैंने बोला ना, मैं चाहूँगा यहाँ पे आ जाए, बिकॉज आपकी भी तस्वीर यहाँ पे लगी है सर, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैंसर हारेगा देश जीतेगा, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इस कैंपेन को, जिस तरीके से आपकी भी एक मुहिम रही है, सपोर्ट रही है। हमारी बेटियों ने और बेटों ने कैंसर से लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ चित्रकारी की है। पहले तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। कैंसर मुक्त भारत हम सबका संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कैंसर मुक्त भारत बनाएंगे। उसके लिए हमको जागरूकता लगाने पड़ेगी, सरकार को भी ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि जिस चीज़ों से कैंसर होता है उसका प्रचलन समाज में ना हो, और इसलिए नशा मुक्त, व्यसन मुक्त और पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का संतुलित उपयोग, तो हम उससे बचेंगे। अत्यधिक उपयोग के कारण पंजाब की क्या हालत हुई है, भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है। और इसलिए कैंसर से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक और जैविक खेती, गोवंश आधारित खेती करने का निर्णय लिया, और हमने भी मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, प्राकृतिक बोर्ड बनाया है, और हमने शुरू किया। आने वाले 5-7 साल के अंदर, 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश सहित पूरा देश पेस्टिसाइड और रासायनिक खेती से मुक्त होगा और प्राकृतिक खेती होगा, जिससे शुद्ध अनाज पैदा होगा, शुद्ध दूध होगा, शुद्ध सब्जियां होगी, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। मंत्री जी, आपके बगल में इस वक्त डॉक्टर अजय हाड़िया जी जो हैं मध्य प्रदेश के लिए एक इनिशिएटिव चला रहे हैं। एक ऐसा पैथी है जहां पे कीमो की जरूरत नहीं है, रेडिएशन की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छा है। उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, और उनको हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जो भी हमारे देखते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद जड़ी बूटियों से भी कैंसर ठीक होता है, बिल्कुल हो रहा है ना, तो इसलिए इनका प्रचार होना चाहिए। और इसलिए सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार कर संकल्प इधर कर रहे हैं।